यार ट्रंक, ये जो फ्यूचर से बंदा आया था, इसने आते ही गोकू को बताया कि यार अभी है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है 12 मई को सुबह 10 बजे करीब, तो वो प्रॉब्लम है एंड्रॉइड्स। तो ट्रंक बताता है आगे कि उसको है ना एक डॉक्टर जेरो नाम के मैड साइंटिस्ट ने बनाया था, रेड रिबन आर्मी से था वो। गोकू कहता है कि रेड रिबन आर्मी, तो ट्रंक्स कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यार ये फिर गोकू पूछता है इससे, ओ अच्छा जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था मेरे को लगा कि मैंने उनसे छुटकारा पा लिया, पर वापस से फिर मैंने उनके मालिक को पीटा। ट्रंक्स बताता है कि अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर जेरो था वो बच गया और उसने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। तो गोकू पूछता है कि अब वो क्या कर रहा है फिर, अब क्या वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है या फिर और भी कुछ पागलपन जैसा कुछ करना चाहता है। ट्रंक्स बताता है कि मैं इसके बारे में पूरा पक्की तरीके से श्योर नहीं हूँ, पर हाँ शायद वो इसी चीज के लिए काम कर रहा है। पर जो उसके एंड्रॉइड्स थे वो उसको ऐसे डिजाइन करा गया था जैसे किलिंग मशीन्स की तरह, इसका मतलब ये कि जो एंड्रॉइड्स थे बिल्कुल फ्री हो गए अपने जो दिल का कंटेंट था उसे मारने के लिए। अब सिर्फ मैं ही उन दोनों के खिलाफ में हूँ और मैंने जिंदा रखने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। यार इसने पूरी कहानी बता दी। फिर गोकू कहता है रुको और सबके साथ क्या हुआ। ट्रंक्स बताता है वो चले गए 20 साल बाद, बस मैं ही एक फाइटर हूँ जो बचा रह गया। गोकू फिर सोच में पड़ जाता है। ट्रंक्स बताता है 3 साल बाद जो फाइट होगी उसके अंदर मेरे पापा और जो क्रिलिन है पिकोलो है वो सबके सब मारे जाएंगे, बस गुहान ही किसी भी तरह से वहां से बच जाएगा। और यहाँ पर टाइम मशीन से आने से पहले गुहान ने मेरे को बताया कि कैसे फाइट लड़ी जाती है 4 साल तक। जैसे कि तुम जानते हो पिकोलो भी चले गया तो ड्रैगन बॉल भी फिर नहीं रहेंगे, मतलब कि हम वापस से किसी को जिंदा नहीं कर पाएंगे अगर कोई चले गया। और जो एंड्रॉइड्स हैं वो सबको मारे जा रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को है ना बिल्कुल बुरे सपने के अंदर डाल दिया है। ट्रंक्स कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनको कोई भी नहीं हरा सकता। गोकू कहता है कि ए, रुको एक सेकंड, मेरे बारे में क्या, क्या उन्होंने मुझे मारा कि नहीं। ट्रंक्स बोलता है कि यहाँ तक कि तुम भी उस फाइट को ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ समय बाद ही तुम एक हर्ट वायरस के शिकार हो जाओगे। गोकू फिर डर के कहता है क्या, वैसे यार लग रहा है पिकोलो भी सुनना चाह रहा है पर सुन नहीं पा रहा वहां से। गोकू कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये कि सेंसू बीन्स भी काम नहीं करेंगे। यार ये तो बहुत बेकार है, मतलब मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं इतना बेकार तरीके से मरूंगा, मैं सच्ची में उनसे फाइट करना चाहता हूँ। ट्रंक्स कहता है तुम निराश हो, तुम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, क्या तुम डर गए उनसे। गोकू बोलता है कि अच्छा हाँ मुझे डर लग रहा है, पर तुमने कहा कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं इस वजह से उनसे लड़ना चाहता हूँ। ट्रंक्स कहता है कि हाँ दिखता है तुम एक सच्ची के सयान योद्धा हो। कह रहा है ये रहे, जब तुम्हें बीमारी के लक्षण दिखाई देने जाए तो इसको लेना, तो ये मेडिसिन है आज से 20 साल बाद बनाई गई है, ये तुम्हें जिंदा रखेगी। तो वो कहता है कि सच में, और यार फिर उसको थैंक्स करता है ट्रंक्स को। और ट्रंक्स बोलता है आमतौर पर इतिहास चेंज नहीं चाहिए, पर हमें इन अत्याचारियों को रोकना पड़ेगा, इस वजह से कुछ भी करना हो वो करेंगे हम। तो यार फिर आगे बताता है कि मेरी मम्मी ने तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा बताया है, वो जानती है कि तुम हमारी मदद करोगे, इसी वजह से वो टाइम मशीन कम्प्लीट बना पाई। गोकू कहता है रुको, तुम्हारी मम्मी, वो मेरे को जानती है। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ वो तुम्हें अच्छे से जानती है। गोकू कहता है रुको, तुमने कहा कि उन्होंने टाइम मशीन बनाई, ये सही है, और जो ऐसा कुछ कर सकता है और वो मेरे को जानता है वो बस एक ही पर्सन है, वो एक ही इंसान है। नहीं तुम्हारी मॉम क्या। ट्रंक्स कहता है हाँ ये वहां पर ही है। तो गोकू की तो धरती खिसक गई, कह रहा है ओ भाई उसे विश्वास नहीं हो रहा। तो यार गोकू काफी ज्यादा शॉक हो गया है। गोकू कह रहा है बुलमा, जो सारी चीजें तुमने मेरे को अभी बताई उनमें सबसे ज्यादा अजीब चीज यही निकली जो तुमने अभी मेरे को बताई है। मेरे को लगा कि वो यामचा के साथ में रहेगी, ये सोचना कि वो सारे बंदों में से रेटा के साथ में आखिरकार अपने रिलेशन को बनाएगी, मतलब कि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यार इतनी सारी चीजों में सबसे ज्यादा डरावनी चीज गोकू को ये वाली लगी जो उसने अपनी मम्मी के बारे में बताया। तो ट्रंक्स बोलता है कि है ना इस बात का ध्यान रखना, तुम किसी और को मत बता देना ये, अगर तुमने करा अच्छा तो फिर मैं फिर पैदा ही नहीं होने वाला। ट्रंक्स यार काफी ज्यादा डर गया। गोकू कह रहा है ओ हाँ मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। ट्रंक्स कहता है अच्छा अब मेरे को अपने समय पर वापस जाना चाहिए, मेरे को अपनी मम्मी को बताना होगा कि यहाँ पर कैसा सब कुछ रहा। गोकू कहता है कि क्या हम तुम्हें वापस देख पाएंगे।
फ्रेंड्स बताता है टाइम मशीन के अंदर राउंड ट्रिप लगाने पर ज़्यादा एनर्जी जाती है, तो इस वजह से हम कुछ समय बाद ही मिल पाएंगे। फ्रेंक्स बताता है फिर अगर मैं तब तक जिंदा रह पाता हूँ तो फिर मैं पक्का तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हें दे के जाऊँगा। गोकू कहता है कि अच्छा ठीक है, तो जिंदा रहना, क्या बड़ा गोल दिया है, अब मैं अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा अगले 3 साल के लिए। तो यार ट्रंक से तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बात हो गई, अब ये तो चल दिया यार अपनी जगह पर, तो अब ये शायद टाइम मशीन के पास जा रहा होगा। वैसे यार गोकू को इसका पीछा करना चाहिए, टाइम मशीन तो देख ले पहली बार कैसी होती है। तो यार यहाँ तक का तो हमारा ये काम पूरा हो गया। तो यार यहाँ पर ये इनकी पूरी टीम इस साइड से देख रही है और ये रहा यहाँ पे गोकू। गोकू कह रहा है कि अच्छा तो फिर अब मेरे को पता लगाना होगा कि अब उन सबको मेरे को क्या चीज़ बतानी होगी, तो ये बनावटी चीज़ बना के बोल देगा। ये फिर कहता है हे गोकू, हमने देखा कि वो तो बंदा उड़ के चले गया, वो कहाँ पर गया? गोकू यार कंफ्यूज होके बोलता है वो हाँ वो ऐसा कह लो कि तुम वो अपने घर चले गया वापस। क्रिन बोलता है कि अपने घर चले गया, तो यार वो था कौन? तो गोकू कहता है वो हाँ वो एक, तो पिकोलो बोलता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं जो तुम्हें बता देनी चाहिए। फिर गोकू कहता है हाँ, फिर पिकोलो कहता है अगर तुम्हें कोई शब्द नहीं मिल रहे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब कि तुमने सुन लिया? फिर पिकोलो कहता है कि हाँ मेरा जो सेंस ऑफ हियरिंग है काफी ज्यादा बढ़िया, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा जिससे कि उसको कुछ खतरा हो, हम बिना तैयारी के नहीं जाने वाले, अगर हम मरते हैं तो हमारी स्किल्स के अंदर कमी होंगी, हमें लड़ना नहीं आता, इसका मतलब ये होगा। तो क्रिलिन कहता है रुको मरना तुम कह क्या रहे हो? तो यार पिकोलो ने तो और ज्यादा इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी डाल दी, कह दिया कि ऐसे ऐसे और बात बताया रहा बिल्कुल नहीं है। तो पिकोलो ने यार सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बता दिया और उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो जो बाकी चीज़ें ट्रंक्स कौन है, तो यार ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी के बारे में तो यार बिल्कुल नहीं बताया पिकोलो ने, और जो जो सारा सच्चाई थी कि ऐसे लड़ाई होने वाली है काफ़ी सारी, तो उसके लिए तुम तैयारी कर लो, तो यार सारे के सारे वो चीज़ें बता रहा था जिससे कि उन्हें समझ आ जाए कि आगे मतलब उन्हें कैसे प्रिपेयर रहना है। तो पिकोलो ने काफी अच्छा अंदाजा दे दिया उन्हें कि बिना तैयारी के कुछ नहीं होने वाला। क्रिलिन कह रहा है कि एंड्रॉइड्स हाँ, यमचा कहता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेड रिबन आर्मी के बारे में मैं किसी और के मुंह से अब फिर कभी सुनूंगा। यार वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ही बिल्कुल शॉक हो गया हूँ, पर मेरे को यार ऐसा लगता है कि हमें उस बंदे पर भरोसा करना चाहिए। वेटा कहता है कैकरॉट ये बताओ कि तुम प्लेनेट नेमिक से कैसे जिंदा निकले? क्रिलिन बोलता है कि हाँ हम सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं, तुम्हारे साथ में आखिर हुआ क्या? तो वो कहता है कि हाँ मेरे को एक दो सेकंड तो ऐसा लगा कि अब बस मेरा तो काम हो लिया, पर फिर बिल्कुल आखिरी सेकंड पे मैंने किसी तरह स्पेसशिप ढूंढ ली। बेटा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, गिन्यू फोर्स की, तुमने उनकी ही कोई एक स्पेसशिप ली। फिर गोकू बोलता है पर मैं जैसे ही उसके अंदर जंप करा और उड़ना शुरू करा तो वो स्पेसशिप ने मेरे को एक प्लेनेट यार्ड्राट नाम का प्लेनेट है उस पर लेके गई। बेटा कहता है हाँ जो बदमाश गिन्यू थे उन्होंने वेडरट को उससे पहले अटैक करा था, तो उन्होंने पक्का वो वाली डेस्टिनेशन सेट करके रखी होगी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार्ड्राट वाले लोगों के कपड़े हैं। वो कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा फ्रेंडली थी, उन्होंने मेरे को ये क्लॉथ दी और मेरी वाली जबकि क्लॉथ बिल्कुल फट गई थी। बेटा कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये भरोसा करने पर कि तुम खाली हाथ आ गए वहां से। वो शैतान भले ही कमजोर हो पर उनके पास काफी ज्यादा अजीब पावर्स हैं, तुमने पक्का उनमें से कोई ना कोई पावर तो ली होगी। वो कहता है कि बिल्कुल सही पकड़े, मैं काफी कुछ सीखना चाहता था पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने बस एक ट्रिक बता दी मेरे को इंस्टेंट ट्रांसमिशन की। तो क्रिलिन कहता है हाँ, बुलमा क्रिलिन कहते हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन। तो यार गोकू के पास में एक और नई पावर आ गई है इंस्टेंट ट्रांसमिशन की, तो यार देखते हैं यार पावर कैसी होती है और उसको कैसे यूज करा जाता है अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये पावर कैसे काम करती है अगर आपको पता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल पाएगा कि ये ढंग से हम पता कर पाएंगे कि ये पावर कैसे काम करती है और इसको कहां कहां पे इस्तेमाल करा जाता है ये सारी चीज़ें। तो यार जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।